कर्नाटक में चुनावी रण के बीच आए बड़े चैनल के एक सर्वे ने चौंका दिया है। इस सर्वे में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी बहुमत के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। जी हां, ये सर्वे किया है जी न्यूज मैट्रिज ने। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी का 103 से 115 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि इस सर्वे में कांग्रेस को 79 से 91 सीट ही मिल रही हैं। इसके अलावा जेडीएस को 26 से 36 सीटें मिल सकती हैं और वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। ओपिनियन पोल में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो किस गठबंधन सरकार की संभावना है, इसके जवाब में सबसे ज्यादा 54% लोगों ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन सरकार बन सकती है। वहीं 28% लोगों ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बना सकते हैं, जबकि 18% लोगों ने कहा कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इससे पहले लगभग जितने भी सर्वे आए उन सब में कर्नाटक में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई गई। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 107 से 119 सीटें जा सकती हैं, जबकि किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होगी। इस हिसाब से कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीत रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीएस के खाते में 23 से 35 सीटें जा सकती हैं। इससे पहले हुए TV9 सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 79 से 89 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस 106 से 116 सीटें जीत सकती हैं, जबकि जेडीएस के खाते में 24 से 34 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया था। लोकपोल का सर्वे देखा जाए तो उसके मुताबिक सीटों की विधानसभा में कांग्रेस 128 से 131 सीटें जीत सकती है। इस सर्वे में बीजेपी को 66 से 69 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि जेडीएस के खाते में 21 से 25 सीटें जा सकती हैं। कन्नड़ मीडिया आउटलेट एडिना के प्री पोल में कांग्रेस बंपर सीटों से जीत रही है। इसमें कांग्रेस को 132 से 140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 57 से 65 सीटें मिलती दिखाई गई है। इस सर्वे के मुताबिक जेडीएस 19 से 25 सीटें जीत सकती है। चार ताजा सर्वे में तो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन न्यूज 18 कन्नड़ के ताजा सर्वे में कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 105 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस 87 और जेडीएस के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है। कर्नाटक में एक ही चरण में 10 मई को मतदान होगा, जबकि नतीजे 13 मई को आएंगे। देखना होगा अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।